आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्त की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। 13 तारीख को फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में मोहम्मद आरिफ नामी शख्स के कत्ल की वारदात पेश आई थी, जिस पर आज फलकनुमा पुलिस ने आरिफ के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। साउथ जोन DCP गजर और भोपाल ने एक प्रेस मीट करते हुए तमाम तफसीलात बताई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। सैटरडे नाइट को मोहम्मद आरिफ नामी का कत्ल हुआ गया फलकनामा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में। इसमें चार लोगों को गिरफ्तार किए, इसमें A1 है समी मोहिद्दीन जो हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के होमगार्ड है, और A2 उसका भाई अमजद मोहिद्दीन और उनके दोस्तों मोहम्मद अली आमिर मोहम्मद खान, चारों को गिरफ्तार किए। इसमें इसके पीछे ये है कि मोहम्मद आरिफ जो है वो एक लड़की से शादी करने का इरादा था, जनवरी में करने वाले थे दोनों, लेकिन पिछले 2-3 महीने से उनका वो लड़की का तबीयत ठीक नहीं था, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स थे उनके रिसेंटली आ गए। तो लड़की एक बाबा बॉम्बे में रहने वाले एक बाबा के पास गए और बाबा बोले कि इस पर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था, और इसको शक लग गया कि ये समी जो उसका समी का ये साला है, ये इसका आरिफ का सिस्टर जीजा जीजा हाँ आरिफ का जीजा आरिफ का जीजा समी उसका इस पर इल्ज़ाम लगाया कि समी ये सब ब्लैक मैजिक जो है ये करवा रहे हैं। वो बहुत बार उसके घर में जाके बहुत उसको तंग किया और उसको उसको थोड़ा पैसे भी दिया समी उसको चुप रहने के लिए, लेकिन फिर भी वो रोज़ आके उसको तंग कर रहा था। और सैटरडे रात को ये अपने भाई और उसको भाई के दो दोस्त हैं उनसे पैसे दे के बोला कि उसको ख़त्म करने का, उसी दिन रात 11 बजे के आसपास उसकी घर में जाके उस पर अटैक किए, उसके हॉस्पिटल लेने आने के बाद हॉस्पिटल में मौत हुई। और समी मोहिद्दीन जो होमगार्ड है हुसैन आलम PS के उसको सर्विस से भी डिसमिस कर दिया जाएगा, उस पर रिपोर्ट लगा के चारों को अभी गिरफ्तार। सर पब्लिक की सेफ्टी करने वाले ही अगर ऐसा प्लानिंग करें तो पब्लिक कैसा सेफ रहेगी? उस पर एक्शन लेंगे। हम कर रहे हैं पूरे प्रयास कर रहे हैं जो कुछ भी करना है कर रहे हैं। खबर है शहर की, खबर है गांव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।